जय हिंद दोस्तों, मैं रवि सिंह। कल आपने भारत बंद के बारे में सुना होगा और ये काफ़ी न्यूज का चर्चा का विषय रहा है। हर जगह आपको भारत बंद देखने को सुनने को मिला होगा। आखिर इन नेताओं जो नेता थे जो इसको लीड कर रहे थे, उनका क्या तर्क था कि भारत बंद किया जाए? और आपने सुना होगा, आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि इसका संबंध SC ST कम्युनिटी के रिजर्वेशन को लेकर, आरक्षण को लेकर है। कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था जिसमें वह SC ST कम्युनिटी के उपसमूह मतलब सब क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे कि आप रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन मतलब आरक्षण में आरक्षण की बात की है, कि ये राज्य को पावर देने की बात की गई थी कि राज्य चाहें तो वो इसका सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं 3-4 पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली बात तो बहुत लोग भ्रम में हैं कि SC ST का रिजर्वेशन ख़त्म किया जा रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं। SC ST का रिजर्वेशन बिल्कुल भी ख़त्म नहीं किया जा रहा है। आपको पता है कि SC कम्युनिटी को वर्तमान में 15% और ST कम्युनिटी को वर्तमान में 7.5% आरक्षण मिलता है। आपको ये पता है SC में लगभग 1108 जातियाँ हैं और ST में लगभग 744-745 लगभग जातियाँ हैं। दूसरी बात ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया था। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कि केंद्र सरकार ने इसको सिरे से खारिज कर दिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये कहा कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो बनाए गए जो आरक्षण व्यवस्था है उसको हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू जारी रखेंगे। तो फिर इसमें क्यों इतना प्रोपेगेंडा, क्यों इसको इतना फैलाया जा रहा है, इतना भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है, तो इसके बारे में बात करते हैं। 2004 में एक केस आया था, EB चिन्नैया वर्सेज आंध्र प्रदेश केस, जिसका जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने ही किया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखो SC ST एक होमोजीनियस ग्रुप है, क्योंकि होमोजीनियस का मतलब है कि लगभग उसमें जो पिछड़ापन है, जो सामाजिक पिछड़ापन है, जो भी उनकी कंडीशन है शिक्षा को लेकर के, वो लगभग समान है, तो उसको होमोजीनस करार दिया था। उसने कहा कि देखो इसमें सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने मना रिजेक्ट कर दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने उस समय, कि हम SC ST में सब क्लासिफिकेशन जैसे विचार नहीं ला सकते या उसको लागू नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही 20 साल बाद अभी 2024 में जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उन्होंने अपने ही निर्णय को पलट दिया। इसमें जो मत था 7 जजेस की बेंच थी, जिसमें 6 लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, एक इसका जो विरोध किया था केवल एक जज ने, और उस जज का नाम बेला त्रिवेदी था, जो कि कहीं ना कहीं अपर कास्ट से ही होंगे, लेकिन फिर भी हमारे बीच में जिनको भड़काना है वो भड़का देते हैं और हम भड़क भी जाते हैं कि ये सब बड़े बड़े लोग हैं, अपर कास्ट के लोग, और ऐसा जजमेंट दे रहे हैं, है ना, SC ST को लेकर के। लेकिन बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें उसके बारे में पहले रियल फैक्ट जानना चाहिए, आखिर रियलिटी है क्या। आपने एक शब्द ये भी सुना होगा, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है? आप ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो विचार है क्रीमी लेयर का, OBC में अभी लागू है। OBC का स्टैंडर्ड क्या है क्रीमी लेयर को लेकर के? तो OBC में स्टैंडर्ड ये है कि जिसका भी, जिस व्यक्ति का या जिसके परिवार का भी 8 लाख से ज़्यादा उसकी इनकम होगी ऊपर, तो उसको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा, अगर आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं तो आपको आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा, जो कि अभी OBC में लागू है। अब यहाँ पर लोग कह रहे हैं क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर के बारे में भी बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो क्रीमी लेयर को लेकर के, SC ST को लेकर के केवल यही आया, उनका एक सुझाव है। उन्होंने क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर जैसे स्टैंडर्ड को सेट करने की कोई बात ही नहीं की थी, लेकिन लोगों ने हमें भड़काया अच्छी तरीके से और हम भड़क भी गए। हाँ, यहाँ पर एक बात थी सब क्लासिफिकेशन को लेकर के, कि SC ST का चाहे स्टेट चाहे तो सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो अब सब क्लासिफिकेशन को लेकर के, हाँ, वो अपोज करना बनता है, तो वो चीज़ें सही थी। आज़ादी के काफ़ी साल हो रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा दिमाग अभी आज़ाद नहीं हुआ है। लोग हमारे माइंड को रेगुलेट करते हैं, इधर उधर मिसगाइड करते हैं, हमें उन चीज़ों से बचना है। देखिए, हम सभी भारत के नागरिक हैं और जहाँ पर भी हमें किसी भी चीज़ से गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी कम्युनिटी के द्वारा या किसी भी चीज़ से अगर हमें नुकसान पहुँचता है या हमें नुकसान पहुँचता है या हमारा विरोध किया जाता है, तो हमें जाहिर सी बात है, हमें उन्हें विरोध करना बनता है और हम करेंगे, पूरी मजबूती के साथ करेंगे।
पर हमें पहले फैक्ट को चेक करना चाहिए, वास्तव में चीज़ें क्या हैं। क्योंकि हमें आजकल कोई भी लीडर आता है, कोई भी कुछ कहता है, हम मिसगाइड हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं, हमें चीज़ों को पहले ढंग से समझना है। और जब चीज़ें गलत पाई जाए, वो चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, या कोई भी अन्य नॉन स्टेट एक्टर हो, तो हमें पूरी तरीके से उसको अपोज करना है, उसके अगेंस्ट जाना है, हमें उसका अपोज करना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। यही आपसे मुझे बात करनी थी। और अंततः लास्ट में फिर यह कहना चाहूँगा कि एससी एसटी कम्युनिटी का जो भी रिजर्वेशन है वो बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगा, उसमें किसी प्रकार की समस्या की बात नहीं है। हाँ, जो सब क्लासिफिकेशन की बात है, उसको गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीधे वापस ले लिया, हालांकि उन्होंने जिक्र भी नहीं किया, मैंने इसके पहले अभी आपको बताया भी। तो ये चीज़ें हैं, हमें क्या करना है। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग थोड़ा जागरूक बनने की कोशिश करें, चीज़ों को जानने की कोशिश करें, करने की कोशिश करें, फिर हम उसमें थोड़ा एक्शन लेने, तब एक्शन लें, तब तो बेटर बनता है। क्योंकि इस तरह की कंडीशन जब अपने कंट्री में क्रिएट हो जाती है, तो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो जाती है, कहीं ना कहीं जो हमारे देश को नुकसान करती है। हमें उन चीज़ों से बचना है। लेकिन हाँ, जहाँ पर हमारे अधिकारों का वायलेशन होगा, लोग उसका शोषण करेंगे, तो हम ज़रूर उसके खिलाफ़ खड़े होना है। जय हिंद।